हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में। देखिए, मदरसन सुमी में बहुत ही अच्छी चीज चल रही है। शेयर एक के बाद एक अपर सर्किट लगा रहा है। 86 रुपीज के ऊपर आ चुका है शेयर, आज भी 6.5% अप रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मदरसन सुमी के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और भैया आखिर इतनी तेजी किस बात की आ रही है, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू कर उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी का जो शेयर है 86 रुपीज के ऊपर ट्रेड करा है। पिछले एक महीने में मदरसन सुमी में 42% का ग्रोथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं भैया, कहाँ था ये शेयर, कहाँ था? आप देखिए, इसी महीने की 8 तारीख को 55 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था। इसी महीने की 8 तारीख को, अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए, 8 और बस 9 दिन हुए हैं, और 56 रुपीज का शेयर 86 रुपीज तक गया है। बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ी, काफी तेजी से शेयर आगे बढ़ रहा है। अगर पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में मदरसन सुमी का जो शेयर है वहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 45% की गिरावट है। 150 रुपए से शेयर, देखिए यहां पर था 150 रुपए के आसपास शेयर था, गिरावट आ गई, 100 रुपए से भी नीचे टूट गया, वापस से 150 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आ गई, 50-55 रुपए तक शेयर पहुंच गया। अब वापस से देखिए 85 रुपए तक पे ये पहुंच गया। पिछले 3 साल की भी अगर हम बात कर ले तो 3 साल में मदरसन सोनी के शेयर में 47% की गिरावट है। 260 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक करने की कोशिश यहाँ पर जरूर कर रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, 26,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर आज देखेंगे तो भैया 7.25 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और तो और यहाँ पर आप देखिए, शेयर होल्डिंग तकरीबन 34% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, FIs के पास 15.50% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 11.21% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस फंड के पास 1.38% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 9.22% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा हालांकि 13% की होल्डिंग गिर भी है, जरूर गिर भी है यहाँ पर, और एक्चुअल में ये होल्डिंग अगर हम दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी और ज्यादा गिर भी हुई है, क्योंकि पहले 9% जितनी होल्डिंग यहाँ पर गिर भी हुआ करती थी। और आप देखिए म्यूचुअल फंड की बात करें तो 25 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, 461 FIs ने पैसा लगाया है, और प्रमोटर भी था। ये होल्डिंग की बात करें तो मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है जिनके पास 33.43% की होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग हाईएस्ट पब्लिक शेयर की बात करें तो यहाँ पर ICICI प्रोडेंशियल है जिनके पास 5.25% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.27% की देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो डिविडेंड भी पे कर रहा है ये, 150% का डिविडेंड पे कर रहा है ये, और आप देखिए पर शेयर 1.50 रुपए जितना यहाँ पर आपको मिल रहा है। मदरसन सुमी में अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो भैया 500 करोड़ का फंड रेज इन्होंने किया है, और इश्यू और उसके चलते शेयर में तेजी हमें जरूर देखने को मिली है, और डेफिनेटली काफी पॉजिटिव चीज है। क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल है, कोरोना वायरस के चलते इनके प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो नहीं रहा है और डिमांड भी इतना ज्यादा है नहीं, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि भैया कंपनी के पास लिक्विडिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। और मदरसन सुमी डेफिनेटली अब 500 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रही है, तो उससे एटलीस्ट जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, और लंबी दूरी का ये घोड़ा हम इसको कह सकते हैं। मदरसन सुमी में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल है, यहाँ पर हम देखें तो PE 37.90 का है, इंडस्ट्री PE 32.06 है, बुक वैल्यू 20 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.26 के आसपास देखने को मिली है, 150 का डिविडेंड है, EPS 2.29 के आसपास है, और डिलीवरीज 22 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मदरसन सुमी में अगर हम देखें तो भैया कर्जा इनके ऊपर है लेकिन बहुत कम है, उतना ज्यादा नहीं है, 1,133 करोड़ का ये कर्जा है, और वो बहुत कम है। रीजन ये है कि भैया कंपनी हर क्वार्टर में 200 करोड़ का मुनाफा कर रही है, अराउंड 175 से 200 करोड़ के आसपास का मुनाफा कर रही है, और वाकई में ये काफी अच्छी चीज है। कंपनी की अगर हम बात करें तो भैया इनके जो प्लांट्स हैं वो यही नहीं, इनका जो बिजनेस है वो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, इंडिया के बाहर भी काफी बड़े इनके बिजनेसेस हैं, चाहे हम उसमें यूरोपियन कंट्रीज की भी बात कर रहे हो या और भी कंट्रीज की बात कर रहे हो, तो इनके बिजनेस काफी फैले हुए हैं। कोरोना के चलते जरूर इनके बिजनेस को एक धक्का पहुंचा था, और इसीलिए शेयर्स में इतनी गिरावट आ गई थी कि शेयर 50 रुपए तक भी टूट गया था। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मदरसन सुमी के ऊपर मैंने हमेशा वीडियो बनाया है, और जब भी गिरावट आई है मैंने कहा है कि आप चाहे तो SIP मोड में खरीदारी कर सकते हैं, छोटे छोटी क्वांटिटी आप खरीदारी करते रहिए, शेयर में आपको जरूर फायदा होगा। और आप देख सकते हैं आज 42% का ग्रोथ लेकर बैठा है ये शेयर।
मदरसन सुमी में अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो भैया काफी सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। ओवरऑल देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर एक डाउनफॉल में जरूर रहेगा। रीजन ये है कि मंदी चल रही है और कोरोना के बाद ये जो हालत है वो और ज्यादा खराब हो रही है और इवन इसने खराब हालत कर भी दी है। तो ऑटोमोबाइल में मैं मानता हूं कि स्ट्रेस जरूर रहेगा, लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक चुनेंगे और छोटी छोटी क्वांटिटी अगर आप खरीद के रखेंगे तो इसी तरीके का प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर आपने मदरसन सुमी के शेयर में खरीदारी की है तो बने रहे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया स्टॉक है जरूर, और ये 100 रुपए के आसपास भी आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और जिन्होंने खरीदारी नहीं की है उनको मैं कहूंगा, मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि मदरसन सुमी में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन SIP मोड में खरीदारी करिए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत खरीदिए SIP मोड में। क्योंकि देखिए दिक्कत यहाँ पर यह है कि इनका जो बिजनेस है वो फैला है यूरोपियन कंट्रीज में भी, काफी ज्यादा इनका बिजनेस फैला है। और यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम बात करें तो कोरोना जो पहले काफी बुरी हालत करके रखी थी, अब वो धीरे 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 कंट्रोल में आ रहा है, अभी वो कंट्रोल में आ रहा है। तो वहां का जो बिजनेस हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनका वो जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दे। और इंडिया में जैसे ही 3 मई के बाद लॉकडाउन हटेगा, जरूर उम्मीद करते हैं कि इनके भी जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाए और जो डिमांड है वो वापस से शुरू हो जाए। लेकिन अगेन सिचुएशन उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिख रही है। तो अगेन मैं कहूंगा अगर आप खरीदारी कर भी रहे हो, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तो भैया एक साथ सारे के सारे शेयर मत खरीदो, बहुत छोटी क्वांटिटी ही खरीदो, ज्यादा शेयर यहाँ पर खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी क्वांटिटी, अगर आपको इसमें 100 शेयर खरीदने हैं तो आप 10 10 की क्वांटिटी में ही खरीदे, वेट करें उसका प्राइस किस तरीके से मूव हो रहा है वो देखिए, उसके बाद थोड़ी और क्वांटिटी खरीदिए। लेकिन एक साथ सारे के सारे पैसे मत लगा दीजिएगा, पैसा है तो बचा के रखिए। लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि गिरावट का माहौल है स्टॉक मार्केट में और अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया मौका है पैसा कमाने का। तो आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक जरूर चुने, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको जितना हो सके उतना ब्रॉडर करिए, मतलब एक 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 दो शेयर नहीं, आप 25 30 शेयर पर दाव खेले, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी के शेयर खरीदे और 25 से 30 शेयर पर अपना दाव लगाए, जरूर आपको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।